નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો આર્ય એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે ઓક્ટોબર બે હજાર બાવીસમાં જે તમારી પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા યોજાવાની છે તે અંતર્ગત અહીં આપણે ધોરણ આઠ વિષય હિન્દીના પ્રેક્ટિસ પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ કુલ ગુણ રહેશે પેપરના એસી સમય રહેશે ત્રણ કલાક અને વિદ્યાર્થી મિત્રો જે સ્વતંત્ર પોથી ગુજરાતી ગણિત અને વિજ્ઞાનની આવેલી છે તેનું તમને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે ના અન્ય પણ આપેલી છે તમે જોઈ શકો છો જેના અ અને જવાબ આપણે આગળ જોઈશું પહેલા પ્રશ્ન કવિ ભગવાન ક્યાં પ્રાર્થના કરે કવિ ભગવાન પ્રાર્થના કરતે હે કે સબ પર આપણી કૃપા દ્રષ્ટિ બનાય રાખે લોગો પર આવી હવે વિપત્તિઓ દૂર કરતે રહે ईश्वर सभी लोगों के अपराधों को क्षमा करे ईश्वर हमेशा लोगों की खबर रखे कि लोग किस हालत में दूसरा हमें रक्षक और पुजारी बनकर क्या करना है बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है हमें यह ज्ञान है कि सैकड़ो हमें ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना सिद्धार्थ ने घायल हंस की रक्षा कैसे की सिद्धार्थ ने हंस को उठा लिया जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया के आंसर कवि धरा के अमर सपूतों से क्या कहते हैं? कवि देश के सपूतों से कहते हैं कि हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है अब सपूतों को स्वतंत्रता के बाद देश का नव निर्माण करना है वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे उनमें नए प्राण का संचार करें, युग युग के मुरझाए फूलों को नई मुस्कान दे अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे वह तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए इस प्रकार कवि के अमूर सपूतों से चाहते हैं आगे है आखेटक और गौतम के बीच क्या विवाद हुआ तो थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी आखेटक यानी शिकारी पहुंचा उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा सिद्धार्थ ने हंस देने से साफ इनकार कर दिया शिकारी बोला यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है इसलिए यह मेरा है सिद्धार्थ ने कहा मैंने इसे बचाया है इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है दोनों में हंस को लेकर विवाद छिड़ गया प्रश्न दो सुनीता विलियम्स के जीवन के उजागर होने वाला मूल्य कौन सा नहीं है तो नहीं है वो मूल्य है पशु प्रेम बाकी सारे मूल्य उनसे जुड़े हुए हैं। ईदगाह इकाई का साहित्य प्रकार है कहानी अब देखते हैं प्रश्न ब के जवाब गांव में सभी लोग क्यों खुश है उत्तर है महीना पर रोजा रखने के बाद ईद आई है सब लोग उत्साह और उमंग में है गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं सबसे ज्यादा बच्चे खुश है इसलिए गांव में सभी लोग खुश है अंतरिक्ष यात्रा में इस प्रकार की मुश्किलें किस प्रकार की मुश्किलें आती है तो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है वहां खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें आती डॉक्टर कलाम ने साहस की 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 क्या परिभाषा बताई? डॉक्टर कलाम दृष्टि से अपनी जान परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है दुष्यंत भारत के किन गुणों को देखकर आनंदित हो रहे थे बालक स्वस्थ सुंदर निर्भीक तथा हठीला था इन्हीं विशेषताओं पर मुक्त होकर दुष्यंत उससे आनंदित हो रहे थे प्रश्न तीन परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए तो परिच्छेद आपको ध्यान से स्क्रीन पर देख के पढ़ना है पापों की दृष्टि से क्या करना सबसे बड़ा पाप है तो उसका उत्तर है बापू की दृष्टि से बच्चों को पीटना सबसे बड़ा पाप है दूसरा बच्चों के सुधार के लिए बापू कौन सा मार्ग बताते हैं तो बच्चों के सुधार के लिए बापू ने उन्हें प्रेम स्नेह से समझाने का मार्ग बताते हैं तीसरा बापू के मतानुसार बच्चे किसके अधिकारी है तो बापू के मतानुसार बच्चे स्वर्ग के अधिकारी है क्योंकि बच्चे निर्दोष होते है उचित शीर्षक बच्चों के लिए बापू के विचार प्रश्न चार कहानी लिखिए तो सबसे पहले आपको इस रूपरेखा को पढ़ना है और उसके आधार पर कहानी लिखनी है रामपुर नाम के गांव में दो स्त्रियां पास पड़ोस में रहती थी उनमें से एक स्त्री झगड़ालू थी और उसे कोई संतान नहीं थी दूसरी स्त्री बड़ी अच्छी थी मिलनसार थी उसके एक बेटा था एक बार की बात है मुक्का पाकर नी संतान स्त्री बच्चों को उठाकर ले जाती है बच्चे की मां बहुत दुखी हो जाती है जब उसे पता चलता है कि मेरा बेटा झगड़ालू स्त्री के पास हे, तो वह वहां जाती है और कहती है यह मेरा बेटा है मुझे वापस दो तब झगड़ालू स्त्री मना कर देती है तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर तकरार निपटाने की सलाह दी दोनों स्त्रियां न्यायालय में जाती है दोनों की सारी बातें सुनी जाती है फिर न्यायाधीश न्याय करते हुए कहता है कि इस बच्चे के दो बराबर टुकड़े करो और एक एक दोनों स्त्रियों को दे दो न्यायाधीश का फैसला सुनकर एक स्त्री मोड़ रहती है जबकि जो सच्ची माँ है वो रो कर कहने लगी बच्चे को न काटो चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा न्यायाधीश तुरंत ही समझ गया कि सच्ची सचिमा कौन है वह आदेश देता है कि रोती हुई स्त्री को बालक सौंपा जाए सिख आखिर सत्य की ही विजय होती है पांचवा प्रश्न परिच्छेद को गुजराती में अनुवाद कीजिए परिच्छेद आपको ध्यान से पढ़ना है गुजराती जो है સાંજના સમયે વૃક્ષ નીચે પંચાયત બેઠી હતી તેઓ આવી જતું હતું ત્યારે હળવેથી સલામ કરીને તેનું સ્વાગત કરતા હતા પ્રશ્ન છ અપૂર્ણ કહાની પૂર્ણ આપકો સબસે પહેલે કહાની પઢની હે જો બીચ મેસે छोड़ दी गई है इस कहानी को आपको अपने मौलिक विचारों से पूर्ण करनी है रोहित और उसके साथी को आसपास द्वीप पर जो लोग रहते थे वे चारों तरफ से घेर लेते हैं सबको बंदी बना लेते हैं वे लोग रोहित और उसके साथी को मारने के बारे में सोचते हैं यह सुनकर वे लोग डर जाते हैं लेकिन रोहित उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम आपका बुरा नहीं चाहते हम आपके बारे में किसी को नहीं बताएंगे रोहित की यह बात सुनकर एक बुजुर्ग आदमी कहता है कि यह लोग सच कह रहे इसलिए हमें इन सब को छोड़ देना चाहिए वह लोग बुजुर्ग की बात समझते हैं और रोहित और उनके साथियों को उनके गांव की ओर छोड़ जाते हैं। सातवां प्रश्न सूचना अनुसार उत्तर लिखिए समानार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए निगोड़ी मतलब है अभागी लड़की की शादी के बाद वह निगोड़ी हो गई दूसरा शब्द है आपदा जिनका अर्थ है विपत्ति मेरे जीवन में कई आपदा आई है विरुद्धार्थी शीतल का विरुद्धार्थी है उष्ण मुझे उष्ण पानी से नहाना पसंद है आफत विरुद्धार्थी रहेगा रहमत ज्यादा बारिश होने से किसान आफत में पड़ गए मुहावरा दिल कचोटना। तो किसी की याद में तड़पना वाक्य है सुमिता अपने पति की याद में दिल कचोट रही थी प्रश्न आठ रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए लिंग परिवर्तन यानी पुलिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाना है और स्त्रीलिंग शब्द हो तो उसे पुलिंग बनाना है सम्राट तो सम्राट का स्त्रीलिंग होगा सम्राग्नि तो वाक्य इस तरह बनेगा अयोध्या की सराम्राग्नि विदुषी थी विद्वान का होगा विदुषी तो इस तरह से वाक्य बनेगा मुझे नौकर ने पानी दिया मुझे नौकरानी ने पानी दिया उसके ससुर बड़े भाग्यवान है उसकी सासू बड़ी भाग्यवती है भाग्यवान का भाग्यवती और ससुर का सासू ने नौकर को बुलाया सेठानी ने नौकर को बुलाया उसने साधु को भिक्षा दी उसने साध्वी को भिक्षा दी प्रश्न नो वचन बदल कर वाक्य फिर से लिखिए। एक वचन हो तो बहुवचन बनाना है और बहुवचन हो तो वाक्य को एक वचन पहले वाक्य का उत्तर देखते हैं दृश्य देखने के लिए घर के दरवाजे खुल गए दूसरा जंगल में सभी हाथी ने उत्पात मचाया हाथी का एक वचन और बहुवचन दोनों रूप एक ही है इसलिए हमने यहाँ लगाया है सभी जंगल में सभी हाथी ने उत्पात मचाया तो इस तरह से यह वाक्य बहुवचन हो जाएगा तीसरा हम तेरे आगे शीश झुकाते हैं चौथा ये मेरी किताब है पांचवा पेड़ पर बैठे पक्षियों ने आकाश में उड़ान भरी दसवा प्रश्न उपसर्ग लगाकर नया वाक्य बनाना है तो दूर गति तो दुर्गति इस तरह से शब्द बनेगा गुण तो अवगुण प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए पढ़ ई मतलब पढ़ाई इंसान इत यानी इंसानियत निम्नलिखित वाक्यों में से अवयव पहचानिए तो पहले वाक्य में अवयव है बहुत और वाह और तेज बारवा प्रश्न दो विषय आपको दिए गए हैं उनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है तो निबंध का सॉल्यूशन हमने नहीं दिया है आपको दोनों विषय पर अपने विचार मौलिक रूप से लिखने हैं